खबर लखनऊ से है, जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विमुक्ति दिवस मनाया गया। वहीं कार्यक्रम के संयोजक कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी रहे। आपको बता दें कि विमुक्ति दिवस के सम्मेलन में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के 84 अति पिछड़ी जातियों को बुलाया गया था। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री द्वारा घोषित चुनाव में भाजपा को जिताने की अपील भी की गई है। ऐसा माना जा रहा है कि सम्मेलन के माध्यम से भाजपा ने अखिलेश के पीडीए की काट निकाली है। विमुक्ति दिवस का आज एक समारोह के रूप में कार्यक्रम मनाया गया और अंग्रेजों के समय देश भर की और प्रदेश की जो विद्रोही समाज जातीय थी उनके संघर्ष को किस प्रकार से लांछित करने का काम अंग्रेजों की सरकार ने किया था और उन पर आपराधिक कृत्य लगाए गए थे। आज ही के दिन सरदार पटेल जी के देश के यशस्वी गृह मंत्री जी के प्रयास से वो प्रतिबंध हटे थे, इस रूप में आज का दिन मनाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार ने समाज के सब वर्गों के लिए और विमुक्त समाज के लिए भी बड़े स्तर पर उनको मान सम्मान सुरक्षा से जुड़े विषयों पर हम लोगों ने काम किए हैं, लेकिन सामाजिक आधार पर अभी बहुत काम करने बाकी हैं। सामाजिक दृष्टि से लोगों ने उस विषय को भी रखा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर जो हमारा संकल्प है, हमारी पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उस सिद्ध फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देश की जनता ने 2014-2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सरकार का, देश का नेतृत्व करने का अवसर दिया और इन सब लोगों को विपक्ष की भूमिका निभाने का दायित्व दिया, लेकिन ये लोग, विपक्ष के लोग, अपनी विपक्षी दल के नाते जो सार्थक भूमिका है वो निभा नहीं पाते और अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनता को इस प्रकार का गठबंधन प्रलाप अलापते हैं। गठबंधन धर्म निभाने के प्रति कोई दल, विपक्षी दल, ईमानदारी से उस धर्म को पालन करने तैयार नहीं। आपने पुराने गठबंधन की स्थिति देखी होगी और 2017, 2019 और 2022 भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी लोग गठबंधन में लड़े, लेकिन आज गठबंधन के साथियों की स्थिति क्या है? आज कहाँ कांग्रेस है, कहाँ सपा है, कहाँ बसपा है? तो ये निश्चित रूप से जो देश के मुद्दे हैं और मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को, उन विषयों को जनता से ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन प्रलाप अलाप रहे हैं। लेकिन देश और प्रदेश की जनता सब जानती है और जिस प्रकार की भूमिका इन दलों की पिछले समय से रही है वो साफ विषय देश की, प्रदेश की महान जनता के संज्ञान में है। देश का गठबंधन, जनता का गठबंधन भाजपा से है और मोदी जी से। अब सपने देखने का, दिन में सपने देखने का सबको अधिकार है और समाजवादी पार्टी के लोग इस सपने देखने में माहिर हैं। आपने देखा विधानसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीत रहे थे। विमुक्ति दिवस का